नमस्ते, मेरा नाम सपना झा है और आप अब जो ये वीडियो देखने वाले हैं ये श्रीमती फुलन देवी जी के बारे में है। हमने उनका नाम तो सुना है पर क्या हम उन्हें वाकई में जानते हैं? फुलन देवी जी कौन थी, उन्होंने क्या किया और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने क्यों किया, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। श्रीमती फुलन देवी जी मल्लाह समाज से थी। उनका संघर्ष काफ़ी पहले शुरू हो चुका था जब उन्होंने लड़की के रूप में जन्म लिया। उसके पश्चात उन्होंने अपने ज़मीन के लिए, अपनी जाति व्यवस्था को बदलने के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं। उनका परिवार गरीब था जो कि खेतीबाड़ी पे निर्भर था, लेकिन उनके ज़मीन तक को हड़प लिया गया था। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखी हैं, यहाँ तक कि उनके गाँव के प्रधान ने एवं गुज्जर डकैत ने उनके जीवन को नष्ट कर दिया। हमने मीडिया में भी काफ़ी दफ़ा उनके बारे में सुना होगा, परंतु जिस तरह उन्हें प्रदर्शित किया गया है वो तो केवल एक डकैत की छवि में। पर क्या वो केवल एक डकैत थी? नहीं, उन्होंने इस समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। उनका योगदान हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर हम उसके बारे में नहीं जानते क्योंकि हमारे मीडिया में औरतों को केवल सुंदरता के रूप से तोला मोला गया है। उन्होंने, श्रीमती फुलन देवी जी ने अपने जीवन में जाति व्यवस्था के लिए, लोगों के हित के लिए काफ़ी कुछ किया है, पर हम शायद इसके बारे में नहीं जानते। तो आज के इस वक्त में हमारे समाज में उनका योगदान याद करना बहुत ही ज़रूरी है और ये अत्यंत ज़रूरी है मल्लाह समाज और निषाद समाज के लिए, जिनको अपनी चेतना के लिए काम करना चाहिए और ये काम हो सके उसके लिए उन्हें श्रीमती फुलन देवी जी को अपना प्रेरणा मानना पड़ेगा। उन्हें एकजुट होकर, संगठित होकर अपने लिए, अपने हित के लिए जुड़ना होगा और काम करना होगा। और श्रीमती फुलन देवी जी को याद करना आज हमारे वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बहुत उन्नत, कोई ऐसा सोच यहाँ नहीं था, बस ये था कि फुलन देवी जो है डकैत थी और उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ा। वो डाकू हुई चंबल की, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बदला लिया, फिर मुलायम सिंह जी ने उनको राजनीति में लाए, वो यहाँ की सांसद हो गई, फिर उनको शेर सिंह राणा ने मार दिया, उसने अपना बदला ले लिया। बस यही सोच है। मैं इतिहास का छात्र हूँ, हमने ये पढ़ा है कि अगर आप किसी का शोषण करेंगे वो कब तक सहेगा? जब तक सहनशीलता उसके अंदर है तब तक सहेगा, नहीं फिर सहने वाला नहीं, बदला लेगा जरूर। तो जिन मुहि मारा ते मैं मारे, इस विधि पर चलने वाले हम लोग, ये निषाद समाज, उसी के लिए माननीय फुलन देवी जी ने वो किया। जैसे आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे बलात्कार नहीं हो रहे हैं, अगर वैसे ही फुलन देवी कोई बन जाए तो फिर कोई रेप ना हो, कोई बलात्कार ना हो। अगर इस धरती पर फुलन देवी अगर रहती तो मुख्यमंत्री से कम नहीं रहती, इसलिए मुलायम सिंह ने उनको निकाला, एकजुट हो जाता और उसको कहीं डाला। फुलन देवी बहुत ही अच्छा जागृत कर रही थी, बहुत ही अच्छा, जगह जगह जाती थी, लोगों को जगाए। मगर दुर्भाग्य हम लोग का था, उनका इस प्रकार से डेथ हो गया, हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा। मतलब संभवतः हमारे समझ से इसका पूर्ति होना भी हमें तो लग रहा बड़ा मुश्किल है, नुकसान हुआ। नहीं तो उनका लोग बात मानते थे, उनको समझ में आता था कि हाँ ये सांसद हैं, ये पावरफुल हैं, ये हमारे समाज की सबसे अग्रज हैं, सबसे हार्ड वर्क की हुई हैं, तो ये जो कह रही सही कह रही हैं, इनका ही बात मानना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, घर में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ रहा था। अपना समाज एक हो रहा था, मगर अब दुर्भाग्य था हम लोग का कि फिर बिखर गए। मारने के पीछे वजह क्या था उनको मारने के पीछे? फुलन देवी को मारने का पीछा यही था, उनका बैकग्राउंड वाला हिस्ट्री दिखा, वो कौन राणा था, शेर सिंह राणा, वही मारा, कहा कि जो मैं ठाकुरों का बदला ले लिया। मगर समस्या ये बात का है कि हमको तो लगा, यहाँ तक पर्सनल सोच भाई, वो शेर सिंह राणा नहीं था, चक्कर था, राजनीति में मुद्दा था। कारण कि मुलायम सिंह को भी लग रहा था कि जैसे एक फुलन देवी से तो हम परेशान नहीं है, जिस तरह से ये कन्विंसिंग कर रही है लोगों को, अपने जुटा रही हैं, रणवीर एकलव्य सेना बना ली हैं, तमाम तरह का अपन गठन करते हुए चली जा रही हैं, यदि हमसे हटी तो सेकंड मायावती फिर हमारे सामने, फिर हमारा क्या होगा? एकलव्य सेना का क्या हुआ? एकलव्य सेना का गठन तो हुआ था, मगर
अब गांव में है यहां तो है नहीं, गांव में मतलब सेना है, मगर कोई मुखिया क्या है क्या नहीं, मतलब उस जिस ढंग से समाज को जोड़कर काम होना चाहिए हम लोग को वो नहीं दिख रहा जमीन पे। तो ये समाज हमेशा उनको एक कैसे दिखता है पुलन देवी? देखिए पुलन देवी एक इनकी आइकॉन रही है, पुलन देवी पे ये फक्र करते हैं। अब एक समाज समझिए कि पुलन देवी एक गरीब परिवार में पैदा हुई है, मतलब बचपन से भी जो भी कुछ उसके साथ हुआ है वो मुझे ऐसा लग रहा है सोसाइटी की किसी की भी लड़की के साथ हो सकता है। लेकिन पुलन देवी ने उसका रिवोल्ट किया, उसका मतलब नहीं होता कि आप एक थोड़ा जज्बे के साथ में चीज़ों को मतलब आप ये समझिए कि पुलन देवी बहुत बड़ी लिखी नहीं थी, बहुत तार्किक नहीं रही होगी, सोसाइटी कभी मिली नहीं पुलन देवी को, एक 11-12 साल की उम्र में पहली शादी हो गई, उसके बाद जो मतलब ठाकुरों का मतलब पुरुष समाज का इस तरीके से उत्पीड़न पुलन देवी ने झेला है, और उस बीच में मतलब नहीं होता कई बार आप हमने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ इतनी कमजोर हो जाती है आत्महत्या कर लेती है, लेकिन आप उस जज्बे को सलाम करिए कि पुलन देवी ने वो सारी चीज़ें ना करके जो पूरा का पूरा जो एक नहीं होता कि एक पुलन देवी को जिन चीज़ों से उस समय प्रेरणा आई होगी मैं नहीं जानता किन चीज़ों से आई होगी, लेकिन उसको मजबूत किया अंदर से वो बहुत मजबूत लेडी रही होगी। पर ये बातें लोगों तक बात चले क्योंकि मीडिया तो अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल हुआ क्या है कि जब मानसिंह के साथ में पुलन देवी ने सरेंडर किया 1983 में अर्जुन सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश में जब इन्होंने किया है, तो उसके बाद में दरअसल यहाँ पे एक लीडर हुआ करते थे मनोहर कश्यप, कानपुर के सांसद रहे हैं, वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, बाद में सपा में आए हुए, तो उन्होंने क्या किया कि वो पुलन देवी के पास जाते हैं, तो पुलन देवी जेल में रहती है, और वो जो है 1994 में लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग करते हैं और मल्लाहों के बीच में ये मैसेज देते हैं कि पुलन देवी है, उसकी कहानी वो बताते हैं लोगों के बीच में, और मुलायम सिंह यादव को वो जो है आमंत्रित करते हैं, मुलायम सिंह यादव से वो 3 डिमांड्स अपनी समय रखते हैं, पहली बिना शर्त पुलन देवी की रिहाई, दूसरा हमारी इन जातियों को आरक्षण, हमें अनुसूचित जाति में डाला जाए, और उसके सारे उसके परिवार को नौकरी का भी एक सवाल होता है किसके परिवार को के लोगों को नौकरी, तो उसमें जो कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में 94 में जब खुद चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव, तो उन्हें भी इतना अंदाजा नहीं था, करीब उसमें 1.5 लाख लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 94 में जब वो पूरा कार्यक्रम रहा होगा और 1.5 लाख लोगों के सामने वो पूरा का पूरा, और फिर एक मैसेज गया पुलन देवी, नहीं होता कि एक जिज्ञासा लोगों की पैदा होती है आखिर कौन है पुलन देवी, पुलन देवी को बहुत अच्छी वक्ता तो थी नहीं, क्या आप कहेंगे पुलन देवी एक अच्छी पॉलिटिशियन थी, ऐसा कुछ तो पुलन देवी के साथ नहीं होता, लेकिन पुलन देवी एक महिला थी जिसने मतलब आप समझिए कि मतलब वो ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जिसने क्या किया है, उसे आप फील कर सकते हैं अनुभव कर सकते हैं, पुलन देवी जो है मतलब देश से ज़्यादा विदेश में उनकी जब वो पहली बार लोकसभा मेंबर हुई है तो वो कई सारी देश गई है और वहाँ की उनकी संसदों को उन्होंने संबोधित किया, जापान की, अमेरिका की, सऊदी अरब की, उनकी पिक्चर भी तो इंग्लिश में बन रही है, हाँ वो सारी चीज़ें मतलब नहीं आ रही है, जैसे क्या है कि मतलब वो मतलब दुनिया की 10 संघर्षशील महिलाओं में उनका स्थान चौथा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में उनको किस नज़रिए से लिया गया, ये बात उन्हें UNO में भी आमंत्रित किया गया, आपको पुलन देवी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी वक्ता है या बहुत सारी जानकार है, लेकिन जैसे पुलन देवी का जो पुलन देवी ने जो किया है आप उसे उसका अनुभव कर सकते हैं। तो आज की डेट में अभी जैसे 25 जुलाई आएगा फिर स्वतंत्रता दिवस मनेगा, फिर उनका मतलब और उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनकी शादी हुई उमेद सिंह कश्यप ने और उन्होंने ट्रस्ट बनाया फिल्म सेना के नाम के लिए, देखिए क्या होता है कि उमेद सिंह कश्यप जो है उनसे जेल में मिलने जाते थे और वो एक तो मुझे नाम नहीं आ रहा वो एक दिल्ली पुलिस में कश्यप ही थे, वो पुलन देव को लेके थोड़ा चिंतित थे, वही मनोहर से मिले थे
दिल्ली में ही जब मनोहर बीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे। अब होता क्या है कि उनके साथ में उमेश सिंह भी जाते, उमेश सिंह ऐसे रहने वाले हरियाणा के हैं और थोड़े व्यवसायिक किस्म के आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे, तो इन्होंने फुलन देवी को कुछ जेल में जाके पैसा देना शुरू कर दिया उनको, क्योंकि उनके पास में आर्थिक संघ की बड़ी उसमें उनके प्रति उनको एक लगाव हुआ और जेल से निकलने के बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो इस तरीके से उनसे उमेश सिंह कश्यप संघ की शादी हुई फुलन देवी की। पर आज के डेट में उनकी जो माँ और बहन है उनकी स्थिति बहुत खराब है, वैसे ही हालत खराब है। मैं उनकी बहन से मिला था रुक्मणी से, जो उनके जो है मौसी की लड़की है फुलन देवी जी की, और यहाँ पे प्रगतिशील समाज पार्टी है जिसको प्रेमचंद बिंदी कराते हैं, उसकी पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव है। मतलब वो जिसकी तरह से उनका वही कच्चा घर है वो चीज। अब एक चीज़ बड़ी ताजी हो गई कि फुलन देवी जिस समय मरी है उस समय उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई थी, और यहीं के सपा सरकार में मंत्री एक रहे हैं कैलाश चौरसिया, वो समय उनके पीए हुआ करते थे फुलन देवी के, और उन पर भी लोग कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने भी काफ़ी हेर फेर उनके साथ, मतलब ऐसा कहा जाता है लोगों के मतलब बातचीत में ऐसा आता है। लोग फुलन देवी को देखने जाते थे कि फुलन देवी है कैसी, तो एक दौर समझिए। अब जैसे लीजिए मिथुन चक्रवर्ती को, वो होता था एक मजदूर होता था, ठाकुर उसकी बहन से बलात्कार करता था, और ये कोई झूठ नहीं था, ये सोसाइटी में मौजूद था। असलियत में जो लोग बदला नहीं ले पाते थे वो फुलन देवी को इसलिए देखने जाते थे कि कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिल जाए, क्योंकि बिहार में और यूपी में जिस तरीके का सामंत हावी था आप समझ सकते हैं आज भी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कासगंज में अलीगढ़ में दलितों को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है, आप समझ सकते हैं कि हम किस मतलब हम किस समाज में रह रहे हैं।